झांसी के मोट नगर पंचायत इलाके में कान्हा गौशाला निर्माण के लिए गरोठा विधायक एवं वैदेही बल्लभ शरण महाराज द्वारा भूमि पूजन कर कान्हा गौशाला के काम का शुभारंभ कराया गया। कान्हा गौशाला के साथ साथ कान्हा उपवन भी गौशाला के बगल में बनाया जाएगा, जिसमें जानवरों की चारागाह की व्यवस्था होगी। भूमि पूजन के दौरान राहुल पाठक चेयरमैन प्रतिनिधि और नगर चेयरमैन मीरा गोसाई भूमि पूजन में मौजूद रही। कान्हा गौशाला के लिए शासन द्वारा करीब 2.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। कान्हा गौशाला का निर्माण 2.25 करोड़ की लागत से होगा। इस गौशाला में आवारा पशुओं के खानपान से लेकर रहने की उत्तम व्यवस्था होगी। मोट नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि देवेंद्र गोसाई के मुताबिक गरोठा विधायक के अथक प्रयास के बाद इस गौशाला का निर्माण शुभारंभ हुआ। शासन से गरोठा विधायक द्वारा लगातार प्रयास के बाद इस कान्हा गौशाला का निर्माण शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए वह गरोठा विधायक के हमेशा आभारी रहेंगे। उनके नगर क्षेत्र में इस गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। आज हमारी कान्हा गौशाला के लिए हमारी जमीन का पूजन हुआ है, जिसमें हमारे परम पूज्य संत वैदेही बल्लभ महाराज जी, बामन पीठाधीश्वर अयोध्या धाम द्वारा और माननीय विधायक जी द्वारा जगह का पूजन किया गया है। इस जगह को गौ आश्रय के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें चारागाह भी सम्मिलित रहेगा और लगभग 2.25 करोड़ की योजना है। माननीय विधायक जी द्वारा अथक प्रयासों द्वारा इस योजना को पूर्ण किया गया है। हम इसके आभारी रहेंगे, हमारा नगर इनका आभारी रहेगा। धन्यवाद। गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत के मुताबिक शासन की मंशा है किसान खुशहाल एवं किसानों तक शासन की योजना का लाभ पहुंचे, जिसकी वजह से छुट्टा आवारा पशुओं से किसानों को राहत मिलेगी, जिसके तहत नगर में शासन द्वारा करीब 2.25 करोड़ की लागत से कान्हा गौशाला एवं कान्हा उपवन बनाया जा रहा है, जिसमें हजारों गायों के खानपान से लेकर रहने की उत्तम व्यवस्था होगी। इसके साथ ही गौशाला के बगल में ही कान्हा उपवन बनाया जा रहा है, जिसमें जानवरों के लिए चारागाह बनेगा, जिससे किसानों को अन्ना पशुओं से राहत मिलेगी। प्रदेश में योगी जी सरकार लगातार किसानों की चिंता कर रही, और जो वास्तव में हम लोग देखते हैं हाईवे है जहां पर छोटे जानवर और जहां किसानों के खेतों का नुकसान करते थे, उनके लिए निरंतर काम चल रहा है। और आज मोठ में नगर पंचायत के अंदर ये कान्हा उपवन बन रहा है। ऋषि के शिलान्यास के लिए आदरणीय हमारे गुरु जी महाराज जी, आदरणीय हमारी चेयरमैन, ये प्रारंभ करने के लिए हम लोग पूजन करने यहाँ आए हैं। विधायक जी, किस लागत से इसको बनाया जा रहा है और क्या क्या इधर निर्माण किया जाएगा? इसमें गो आश्रय स्थल बनाकर एक यहाँ के क्षेत्र में जो आवारा जानवर या हमारे जो हाईवे निकलता है, इससे आए दिन हम लोग देखते हैं कि फलानी गाड़ी से जानवर टकरा गया या कुछ हो गया और किसानों को खेतों का जो नुकसान होता है, उसके लिए यह कम से कम 2.25 करोड़ की लागत का ये यहाँ पर जो नगर पंचायत की ज़मीन है उस पर एक अच्छा कान्हा उपवन बनेगा और यहाँ जानवर सुरक्षित रहेंगे और इसी के बगल में लगी हुई जो और ज़मीन है उस पर चरागाह भी बनेगा।